यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। सो गाइस अभी देखो यार बाहर क्या चीज़ बन चुका है। तो सबसे पहले मैं अपने आप को हील कर लेता हूँ और यहाँ पे देखो भाई कितना बड़ा बेस इन लोगों ने अभी यहाँ पे बना लिया है। यह वही जगह है भाई जहाँ पे पिछले वीडियो पे मैंने आपको दिखाया कैबिनेट ग्लिच था बैजल के अंदर, जो कि अपने कुछ हिटर्स वगैरह आए थे कैम्प करने के लिए। मेरे ख्याल से वही लोग अभी यहाँ पे पूरा बेस ही बना डाला है, टावर बेस बनाए रखा है भाई 3x3 का। पता नहीं ये लोग क्या करने चाह रहे हैं। इन लोगों ने तो बेस को आयरन तक अपग्रेड कर दिया है और बेस के अंदर से फर्नेस का भी आवाज वगैरह आ रहा है। मेरे ख्याल से ना कोई बंदा शायद इसमें ऑनलाइन भी है अभी। ये देखो फुटप्रिंट्स वगैरह आ रहा है। अभी शायद वो बंदा बाहर आएगा तो मैं इस कोने पे आके छुप जाता हूँ। और जैसे ओ भाई ये बाहर भी आ गया, चलो इसे मारने की कोशिश करते हैं। भाई अंदर भी चला गया और डोर भी बंद कर लिया है इसने। पता नहीं यार ये कौन था। तो ये बंदा ना दोबारा से बाहर आ सकता है तो मैं यहाँ पे आके भाई कैम करने लग जाता हूँ इनके डोर के पास में, ताकि भाई बाहर जब भी वो बंदा बाहर आए उसको मैं मार पाऊँ। इसका फुटप्रिंट तो आ रहा है बट बंदा बाहर निकलने के नाम नहीं ले रहा। मुझे तो सबसे पहले लगा था कि भाई ये लोग बस यहाँ पे आके कैम वगैरह कर लिया, अभी शायद सर्वर छोड़ के चला भी गया होगा। बट ये लोग तो भाई यहाँ पे पूरा बेस ही बना डाला। खैर कोई बात नहीं, अभी हम ये सब फालतू हरकत छोड़ के थोड़ा बहुत फार्मिंग कर लेते हैं, क्योंकि भाई अपने पास बिल्कुल भी फार्मिंग नहीं है। देखो हमने अपने बेस को अभी तक आयरन पे तक अपग्रेड नहीं किया है मेन सेक्शन भी, और अपने पास तो भाई गन की बुलेट बनाने के तक भाई सामान नहीं है, ना ही चारकोल है ना ही सल्फर है। तो मुझे थोड़ा बहुत वुड वगैरह भी फार्म करना पड़ेगा और साथ ही साथ सल्फर भी, तभी तो हम बुलेट वगैरह बना पाएंगे। एक बार ना मैं रिपोर्ट भी चेक कर लेता हूँ कि भाई आखिरकार यहाँ पे कौन कौन है। तो यहाँ पे भाई काफी सारे बंदे का नाम शो हो रहा है, इसका मतलब भाई अपने सामने जो बेस है टावर बेस उसके अंदर भाई काफी सारे बंदे वगैरह हो सकता है। पता नहीं ये कौन कौन है। कुछ बंदे का नाम तो भाई चाइनीज में भी आ रहा था, बट ये लोग भाई चाइनीज नहीं है, ये असल में इंडियन ही है और अपने हेटर्स है। जो इसमें इनमें से कोई कोई हैकर भी है, क्योंकि भाई बिना हैक की तो कैबिनेट ग्लिच नहीं हो सकता इस टाइप से। मैंने आपको पहले वाली वीडियो पे दिखाई दिया था। फिलहाल यहाँ पे देखो भाई मेरे फर्नेस बिल्कुल ऑफ पड़ा हुआ है सारे के सारे। इसके अंदर थोड़ा बहुत ऊट तो डाला हुआ है बट नीचे फ्यूल के लिए ऊट ही नहीं है। तो मैं यहाँ से ना थोड़ा बहुत ऊट निकाल के भाई फ्यूल के लिए डाल देता हूं, और चारकोल जितना था मैंने निकाल लिया है, और इन सब चारकोल को मैं अभी चेस्ट पे रख दूंगा, बाद में भाई मैं इनका एमो वगैरह बना लूंगा। ओके तो अभी मैं निकल चुका हूं फार्मिंग पे एक स्टील एक्स लेके। तो मेरे पास शॉटगन तो है बट मैंने उसका रेसिपी वगैरह नहीं निकाला है, और शॉटगन की बुलेट बनाने पे भी भाई रेसिपी चाहिए होता है जो कि अपने पास नहीं है। तो इसके लिए अभी हमें स्टील एक्स से ही फार्म करना पड़ेगा। साथ में मैंने एक SMG भी ले लिया है ताकि भाई कोई बंदा वगैरह आए तो हम उसके साथ फाइट वगैरह ले सके। तो ऐसे अभी मैं सबसे पहले ऊंट वगैरह फार्म करूंगा, उसके बाद जब थोड़ा बहुत ऊंट हो जाएगा उसके बाद मैं थोड़ी सी सल्फर वगैरह भी फार्म कर लूंगा, क्योंकि भाई अभी मुझे सबसे पहले बुलेट की इंतजाम करना पड़ेगा। अगर बुलेट ही नहीं रहेंगे तो हम फाइट वगैरह नहीं ले पाएंगे, और फाइट वगैरह नहीं ले पाएंगे तो भाई फार्मिंग भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे तो आप देख ही सकते हो भाई अपने बेस के सामने बिल्कुल कैम्प करके बैठे ही बंदे लोग, मतलब हम जब भी बेस के अंदर जाएंगे तब भी वो लोग मारेंगे, बाहर रहेंगे फिर भी मारेंगे। खैर कोई बात नहीं यार, वैसे ही खेल लेते हैं। वैसे भी उनके साथ हम फाइट करके भी शायद से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि भाई वो लोग हैकर वगैरह है तो कैसे जीत पाएंगे। ओ भाई ये बंदे ने भाई मुझे डरा ही दिया था, मैंने पैर तोड़ा और पैर के अंदर एक बॉट था भाई, मुझे लगा ये बंदा कहाँ से आ गया, हैकर वैकर है क्या। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं इस बॉट के पीछे तो दौड़ रहा हूँ। भाई रुक जा, मारने दे तुझे, ये ले। ओ भाई मरा नहीं, ये ले दोबारा से। ओके तो अभी ये मर चुका है, और इससे मुझे एक इलेक्ट्रिक डोर मिला है और साथ में कुछ फार्म वगैरह जो कि मिलता ही है हर एक बॉट से। इलेक्ट्रिक डोर को यार मैं डिसमेंटल कर दूंगा, उससे मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट वगैरह मिल जाएगा जिससे मैं काफ़ी सारी चीज़ें वगैरह बना पाऊंगा। ये जो छोटे छोटे ट्रीज होती है ना गाइस, ये जो पतले पतले इन ट्रीज से यार काफ़ी ज़्यादा कम वुड मिलता है। पहले मुझे लगता था कि भाई हर एक ट्रीज से सेम ही वुड मिलता है, बट ऐसा नहीं है। जो छोटे ट्रीज होता है इस टाइप का उससे कम वुड मिलता है, बट इस टाइप के ट्रीज से भाई ज़्यादा लूट मिलता है। ये भले ही छोटे हैं बट इससे ज़्यादा लूट मिलता है, और साथ ही साथ जो बड़े बड़े ट्रीज होता है उससे भी बिल्कुल सेम ही वुड मिलता है। जैसे कि ये यहाँ पे यार काफ़ी ज़्यादा लैग हो रहा है मेरा डिवाइस, पता नहीं कुछ, शायद पास में एक बड़ा बेस है। और भाई सामने से एक बंदा आया, तो ये बंदा पता नहीं क्यों यहाँ पे आके रुक गया। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे मार ही देता हूँ। और ये बंदा मेरे ख्याल से उन्हीं में से एक है जो कि यार अपने बेस के सामने कैम्प करके बैठा है अभी। वो लोग टावर बेस भी बना लिया है वहाँ पे, तो मेरे ख्याल से तो उन्हीं में से एक होगा। खैर छोड़ो, चाहे जो भी है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अभी हम सबसे पहले जल्द से जल्द यार फार्म वगैरह कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैं ऊंट वगैरह फार्म कर रहा होता हूँ, और तभी उन्हीं में से दो बंदे पीछे से आके मुझे भाई यहाँ पे मार देते हैं, SMG भर देता है। SMG नहीं गाइस, इनके पास फार्मर्स वगैरह भी है। चलो कोई बात नहीं यार, अभी हम अपने घर में स्पॉन हो जाते हैं। वैसे मेरा ज़्यादा कुछ तो गिरा नहीं, बट एक मैचेटी गिरा और थोड़ी सी सल्फर गिर गया है। ओके तो अभी मैंने यार कुछ फार्म वगैरह किया है सल्फर एंड वुड, उसके बाद मैंने अपने फर्नेस पर भी डाल दिया है। मेरे अभी सारे के सारे फर्नेस भर चुका है। मैंने अपने बेस में ज़्यादा तो फर्नेस नहीं लगाया है, 6 फर्नेस ही लगा हुआ है, सारे फर्नेस
मैंने अभी भर दिया है। तो अभी चलते यार थोड़ा बहुत रूम लूटिंग करने। तो मेरे पास देखो बस एक ही कार्ड है जो कि है ग्रीन कार्ड, और रेजिस्टेंट वगैरह है गन के नाम पे बस SMG है। तो मैंने अभी भी ये सर्वर में ब्लू रूम ओपन ही नहीं किया है, मतलब समझ लो भाई रूम करना अभी तक मैंने किया स्टार्ट ही नहीं किया है। तो फिलहाल अभी सबसे पहले चलते हैं भाई मिलिट्री बेस। तो मैं थोड़ी सी वुड वगैरह इधर से कट कर लेता हूँ क्योंकि इधर मैं एक रैम बना के वहीं से भाई जंप करके जाने वाला हूँ मिलिट्री। मेरे पास ग्लाइडर वगैरह तो है, 30 फ्यूल वेस्ट करके चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। ओके, तो यहीं पे हम अपना रैम बना लेते हैं, इधर एक सीढ़ी लगाते हैं, उसके बाद भाई यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा रूफी। सो अभी मैंने फाइनली अपना रैम तो बना लिया, यहाँ पे थोड़ा सा बूस्ट करके चलते हैं मिलिट्री को। वैसे तो मेरे ख्याल से हम इजीली यहीं से मिलिट्री जा पाएंगे भाई, मतलब पानी वगैरह पे नहीं गिरने वाले हैं। ऑलराइट, तो अभी मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ मिलिट्री बेस, और देखते भाई यहाँ का रूम वगैरह लूटेड है कि नहीं। वैसे तो मैं एक बार और मिलिट्री आ चुका हूँ, बट उस टाइम भाई मिलिट्री पूरा ही लूटेड था। और साथ ही साथ भाई मैंने सारे के सारे रूम भी चेक किया, एयरपोर्ट, हार्बर, बम शेल्टर, जितने भी रूम्स वगैरह होता है सारे रूम ही भाई लूटेड था। अभी सबसे पहले अंदर चलते हैं, उसके बाद देखते भाई अंदर का सीन क्या है, और पता नहीं यहाँ पे बंदे वगैरह भी होगा कि नहीं, क्योंकि इससे पहले मैं जब आया था मिलिट्री तब मैंने देखा था भाई रूम के अंदर बिल्कुल बंदा बैठा था भाई। जितने भी रूम है, मतलब ग्रीन रूम के अंदर तो कोई नहीं बैठता, बट ब्लू एंड जो पर्पल होता है इन दोनों के अंदर भाई दो दो बंदे बैठे पड़े थे। मतलब यार जब भी लूट स्पॉन होता है ये लोग तोड़ देते हैं बिना कार्ड की। यहाँ पे एक बार रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। ओके, तो रिपोर्ट में किसी का भी नाम शो नहीं हो रहा था, बस मेरे टीममेट का ही नाम शो हो रहा था जो कि POC है। और गाइस किसी किसी को लगता है भाई POC लड़की है, बट ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं है, असल में उसका नाम पीयूष है, तो मैं उसको प्यार से POC बुला लेता हूँ। तो वो लड़की नहीं है भाई, वो लड़का है। फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ इस बिल्डिंग के अंदर, इसके अंदर पता नहीं कौन सी रूम होगा, मेरे ख्याल से पर्पल या फिर ब्लू ही होना चाहिए। वैसे ग्रीन होने का काफ़ी ज़्यादा कम चांस रहता है इस बिल्डिंग के अंदर, ज़्यादातर ग्रीन यार बाहर ही होता है बट कभी कभी अंदर भी दे देता है। सबसे पहले जाके चेक ही कर लेते हैं भाई आखिरकार ये रूम कौन सी है। ओके, तो मेरे ख्याल से भाई ये ब्लू रूम है, तो हाँ गाइस ये ब्लू रूम ही है, और अंदर लूट वगैरह भी भरा पड़ा है, बट अपने पास भाई ब्लू कार्ड है नहीं, तो सबसे पहले हमें ग्रीन रूम जाके खोलना पड़ेगा। उसके बाद ही अगर ग्रीन रूम पे हमें कार्ड मिला तभी हम आके भाई इस रूम को खोल पाएंगे, वरना नहीं खोल पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एक गार्ड ने मेरी हेल्थ का बिल्कुल बैंड बजा दिया, देखो भाई मेरे हेल्थ का क्या हालत है। तो इस गार्ड को भाई मैं काफ़ी दूर से मारने की कोशिश करता हूँ और मार देता हूँ। अगर यह बंदा मेरे ऊपर एक शॉट मार देता ना तो भाई मैं यहीं पे मर जाता। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है एमोचेस, देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है। ओ भाई गाइस क्यूबिजर मिल चुका है हमें यहाँ से क्यूबिजर मिल चुका है, और एक सेमी ऑटो राइफल मिल चुका है, और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट कंपोनेंट्स वगैरह मिल ही चुका है। भाई अपने पास एयर गन बिल्कुल भी नहीं था, तो अभी हमें फाइनली मिल चुका है एयर गन, और वो भी फ्री वाले एमोचेस से, तो भाई अपने लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात हो चुका है। मेरे पास देखो बस ग्रीन कार्ड ही है और रेजिस्टेंट वगैरह है, तो सबसे पहले मुझे अभी जाना पड़ेगा ग्रीन रूम की तरफ, उसके बाद देखते हैं भाई वहाँ से हमें कार्ड वगैरह मिलता है कि नहीं, जो कि ब्लू कार्ड होता है मेरे। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आज मुझे भाई सब कुछ मिल जाएगा, मतलब ग्रीन रूम से ब्लू कार्ड मिल जाएगा और ब्लू रूम ओपन करने से पर्पल कार्ड भी मिल जाएगा, क्योंकि भाई आज का लक काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। शुरुआत में आके ही हमें एयर गन वगैरह मिल चुका है, तो देखते हैं भाई अभी सबसे पहले रूम ही मिल जाए वही बढ़िया बात है, कार्ड तो भाई दूर की बात है। ओके, तो मैंने अभी रूम चेक कर लिया और साथ ही साथ जनरेटर पर रजिस्टर वगैरह भी डाल दिया, क्योंकि भाई रूम के अंदर था लूट से भरा पड़ा था रूम, और साथ ही साथ भाई इसके अंदर कार्ड वगैरह भी था, तो चलो बढ़िया है। अभी मैं सबसे पहले इसको कार्ड ला के ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं सबसे पहले जाके उठाने वाला हूँ भाई अपना ब्लू कार्ड। यहाँ पे एक टूल बॉक्स मिल जाता है, टूल बॉक्स से हमें स्पेयर मिलता है और एक स्टीलेक्स मिल जाता है, यहाँ पे भाई कुछ सामान वगैरह मिल जाता है, और यहाँ पे देखते हैं भाई क्या क्या मिलता है। वैसे तो ग्रीन रूम से उतना भी कोई खास चीज़ नहीं मिलता है, और इसके अंदर एमोचेस्ट वगैरह भी नहीं था। वैसे ग्रीन रूम के अंदर एमोचेस्ट काफ़ी ज़्यादा कम होती है, ज़्यादातर मतलब समझ लो नहीं होती है, मुझे एक सर्वर में समझ लो बस एक ही बार मिलता है ग्रीन रूम के अंदर एमोचेस्ट। तो अभी मैं आ चुका हूँ भाई ब्लू रूम की तरफ, और मैंने इसके जनरेटर पर रजिस्टर वगैरह भी डाल दिया। अभी बस मुझे जाके इसको फटाफट खोलना है, उसके बाद देखते हैं यहाँ से हमें पर्पल कार्ड मिलता है कि नहीं मिलता। तो मुझे इस टूटे फूटे रास्ते से जाना पड़ेगा भाई, इससे जाने पे थोड़ा बहुत मुश्किल भी होती है और कभी कभी मैं जा भी नहीं पाता। चलो आज तो आ गया बढ़िया है, अगर नहीं आ पाते हो ना तो आप घूम के भी आ सकते हो, बस उधर से आने पे थोड़ा बहुत ज़ोंबी वगैरह का सामना करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखो एक सप्लाई चेस्ट हमें मिल जाता है ऑल्ड्रम वगैरह, जो कि भाई ऑल्ड्रम उतना कोई खास चीज़ नहीं होता क्योंकि वो डेली मिशन से इजीली मिल जाता है। तो यहाँ से भी हमें कंपोनेंट्स वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे बस एक ही एमोचेस्ट है, और एमोचेस्ट हमें शॉटगन मिलता है और ऑयल ड्रम मिल जाता है, पर्पल कार्ड ये रहा। भाई देख रहे हो भाई आजकल आ गया यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, हमें पर्पल कार्ड भी मिल चुका है अभी ब्लू रूम से,
तो यहाँ पे और कोई चीज़ें वगैरह है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं पैंट उठा लेता हूँ क्योंकि मुझे इसको डिसमेंट करके अपने आप को हील कर लेना है बैंडेज बना के, क्योंकि मेरा हेल का अभी यहाँ पे बैंड बच चुका है। यहाँ पे अगर कोई भी गार्ड मेरे ऊपर एक भी बुलेट चला दिया ना तो मैं यहीं पे मर जाने वाला हूँ। सो अभी मैं आ चुका हूँ पर्पल रूम की तरफ और इसके जनरेटर पर भी मैंने रजिस्टर वगैरह डाल दिया है। अभी बस मुझे जल्दी से जाके इसको खोलना है। इसके अंदर लूट वगैरह तो भाई बिल्कुल प्रॉपर भरा हुआ है और यहाँ पे जितने भी जोमी वगैरह था मैंने उनको मार दिया है पहले ही, ताकि रजिस्टर डालने के बाद जाने पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम वगैरह ना आए। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, अभी बस मुझे इसको कार लेके ओपन करना है। ओके, तो अभी मैं इसको ओपन भी कर ली हूँ। अभी सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं तोड़ूंगा भाई सप्लाई चेस्ट। तो सप्लाई चेस्ट से हमें कुछ कंपोनेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, वैसे और क्या ही भला मिलेगा सप्लाई चेस्ट से, जो मिलना चाहिए वही मिल रहा है भाई। तो यहाँ से भी हमें कुछ कंपोनेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। अभी हम तोड़ेंगे ये नॉर्मली एमो चेस्ट। तो एमो चेस्ट से देखो हमें शॉर्ट गन ट्रैप वगैरह मिल जाता है और कंपोनेंट्स वगैरह मिलता है। इससे देखते हैं भाई क्या मिलता है। ओके, तो इससे हमें SMG मिल जाता है, चलो बढ़िया है, और एक शॉर्ट गन की अटैचमेंट वगैरह। और अभी बारी है भाई ADV एमो चेस्ट की। अभी बस ये कोई खास चीज़ दे दे तो। ओ भाई गाइज, यहाँ से हमें मिल चुका है AKM एंड M24 स्नाइपर और स्टील का हेलमेट एंड एनर्जी का बूट। सच्ची में यार आज का लग अपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, क्योंकि यहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लूट मिल चुका है। अभी बस मुझे सेफली अपने बेस में पहुँचना है भाई। अपने पास एयर गन वगैरह अभी आ चुका है, तो बस यार मैं अभी यहाँ से भाग जाता हूँ अपने बेस की तरफ। बस रास्ते में कोई मुझे मार ना दे, वैसे रास्ते में तो बस पानी ही पानी है, मुझे बस ग्लाइडर से उड़ते हुए जाना है। ऑल राइट गाइज, तो अभी मैं फाइनली अपने बेस के पास में आ चुका हूँ। वैसे अपने बेस के पास ही वैसे बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, क्योंकि यहाँ पे बंदे लोग कैम करके बैठा हुआ है। देखो भाई इन लोगों का भाई हरकत देखो, पूरे बेस को कवर कर रहे हैं अपने बेस को, ताकि हम अपने बेस को बड़ा ना कर पाए। वैसे भी यार मैं अपना मेन बेस यहाँ पे नहीं बनाने वाला, ये बात इनको पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती है। मैंने यहाँ पे बस अपना स्टार्टिंग बेस बना के रखा है। खैर कोई बात नहीं भाई, इन लोगों का काम इनको करने दो, हम अपना काम करते हैं। सबसे पहले तो अभी मैं अपने एयर गन वगैरह सेव करके रख देता हूँ भाई इसके अंदर, वरना यार क्या पता मैं बाहर घूमने लग जाऊँ उसके बाद यार कोई बंदा ही मुझे मार दे और गन वगैरह गिर जाएगा। वैसे यार जो महंगी गन वगैरह होती है तो आप जब मर जाते हो महंगी चीज़ें यार गिर ही जाती है। और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई साइक्लोनाइट आखिर कहाँ से मिलता है। तो देखो साइक्लोनाइट बेसिकली अगर आप ड्रॉप वगैरह लूटोगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ड्रॉप एवेंजर इजी ये सब अगर किल करोगे लूटोगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ से, मतलब कभी कभी मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई एक बार जाके किल कर दिया लूट लिया बस मिल गया आपको, ऐसा तो नहीं होता। और साथ ही साथ अगर आप भाई रूम वगैरह करोगे तो आपको पर्पल रूम से भी मिल जाएगा। जैसे कि हमें एक सर्वर में मिला भी था, बट उस सर्वर में मेरे को नहीं मिला था, अपना कोई दूसरे बंदे को मिला था। और काफ़ी सारे लोगों को मैंने बोला भी था कि भाई वो रूम से मिल जाती है, बट काफ़ी लोग यार विश्वास नहीं कर रहे थे कि भाई रूम से नहीं मिलता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने जब ADV एमो चेस्ट तोड़ा था इनके भाई के सर्वर में, वहाँ पे काफ़ी सारे ADV एमो चेस्ट स्पॉन कर दिया था इनके भाई ने, तो वहीं से मुझे यार मिल गया था साइक्लोनाइट। और साथ ही साथ अगर कोई भी चीज़ के ऊपर अगर आप टैप करोगे ना इन्वेंटोरी पे जाके, तो वहीं पे आपका लिखा होता है भाई ये चीज़ आपको कहाँ कहाँ पे मिल सकता है। फिलहाल अभी देखो मेरे पास आ चुका है एनर्जी का बूट और स्टील का हेलमेट और बाकी आयरन का सेट है, बट चेस्ट प्लेट नहीं है भाई आयरन का। बस भाई चेस्ट प्लेट तो बोन का तक नहीं है अपने पास। सो ओके गाइस, यार आज के वीडियो पे इतना ही था। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।